हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने बनाया है ये पॉट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने एक टूटे फूटे डिब्बे से बनाया है। अगर आपके पास कोई भी स्टोर रूम में पड़ा हुआ डिब्बा हो, आप उससे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक टूटे हुए डिब्बे से, देखो मेरे पास एक टूटा हुआ डिब्बा है, इसका कैप देखो बहुत ही ज़्यादा टूट गया है। मैं आपको इससे, आप चाहे स्टैंड बोलें बोल लेना, चाहे फोर्ट बोल लेना, मैं आपको आज इतनी सुंदर चीज़ बनाकर दिखाऊंगी टेबल पर रखने के लिए कि बहुत ही सुंदर। ये मैंने सफ़ेद ऊन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई रंगीन ऊन है, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, तो आप कोई भी ऊन इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर मैंने ये वाइट कलर की ऊन ली है। और ये मेरे पास दिल है, ये मार्केट से बहुत सस्ते आते हैं, 5 रुपये की एक जोड़ी आती है। देखो कोई भी इसमें से इस्तेमाल कर सकती है। ये देखो, तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ एक बहुत ही सुंदर अनोखी चीज़। एक फेविकॉल की डिब्बी लेंगे, ये 10 रुपये की आती है मार्केट से। तो देखिए इस डिब्बे की कैप को हम हटा देते हैं। देखिए एक ब्रश की सहायता से इस तरीके से इस पे हम फेविकॉल लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे, नीचे की साइड में लगाएंगे पहले। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल लगाया है इसके ऊपर। अब इस ऊन की किनारी को लेंगे एक, इस पर ऊन को अच्छे से रैप करते जाएंगे। देखिए ऐसे ही गोल गोल घुमाते जाएंगे, अपने इस डिब्बे को ऊन के साथ यानी कवर कर लेंगे, यानी ऊन को इस पे रैप कर लेंगे। तो पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए कितनी आसानी से ये रैप हो जाती है इस डिब्बे पर ये ऊन। तो ऐसे ही हम गोल गोल घुमाते जाएंगे और अपनी ऊन को इस तरीके से लपेटते जाएंगे। देखो, तो अब सभी पर कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरे इस डिब्बे को कवर कर लिया है ऊन के साथ। देखो अब क्या करेंगे, अब इसे हम कट कर देंगे धागे को और इसे यहीं पे इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए मैंने ये चिपका दिया है। अब क्या करेंगे, इसे एक तरफ रख देंगे और पीछे से इस तरीके से ना इसे खोल देंगे। देखो इस तरीके से, देखो ये मैंने यहाँ पे एक दिल चिपकाया। देखिए मैंने इस तरीके से तितली और ये स्टार, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और एक मैंने ये मुस्कान और ये दो दिल, इस तरीके से इनकी डिजाइन बनाई है। देखो अब मेरे पास ये थोड़ी सी लेस है, तो पहले हम इसकी यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारी लेस अच्छे से अटैच हो जाए।
बहुत आसानी से बन जाता है ये। तो यहाँ पे अपनी इस लेस को रखेंगे इस तरीके से, चारों तरफ अपनी लेस को चिपका देंगे। देखो अब इसे हम कैंची से कट कर देते हैं। देखिए कितनी सुंदर ये डिजाइन बन के तैयार हुई है। देखो अब इस पतली वाली लेस को इसकी किनारी पे रखेंगे ऊपर की साइड में, तो ऐसे ही फेविकॉल लगाएंगे और इस किनारी पे इसे इस तरीके से चिपका देंगे ऐसे। तो पहले इसे हम चिपका लेते हैं फेविकॉल लगा के, फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये ग्लूगन है, तो मैं आपको देखो इस तरीके से मोती चिपका कर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने कितना सुंदर सा ये पॉट बनाया है। देखो और ये मेरा बनके तैयार है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर आपके पास दो चार फूल हों तो आप इसमें रख सकती हैं, या कोई भी सामान हो। अगर आप फूल रखना नहीं चाहती हैं अपनी टेबल पर तो कोई भी छोटा मोटा सामान हो उसे भी रख सकती हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो एक बलून इस तरीके से यानी गुब्बारा फुलाकर देखो रख सकती हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक बल्ब यानी रॉड कुछ भी रख दिया इसके ऊपर, ऐसे लग रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।